ये पॉलिटेक्निक महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं महेश नुवाल, लेक्चरर कंप्यूटर। इस वीडियो में हम सब्जेक्ट 105 के कंप्यूटर एंड आईटी फंडामेंटल के टॉपिक ईमेल और ई कॉमर्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि ईमेल क्या होता है। ईमेल ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, और मेल इलेक्ट्रॉनिक मेल जो हम करते हैं। तो व्हाट इज ईमेल? ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इसे लोग ईमेल भी कहते हैं। तो ईमेल एक प्रकार का डिजिटल मैसेज होता है, जिसे हम मोबाइल से नॉर्मल मैसेज करते हैं, या पहले जो है हम लेटर सेंड करते थे। तो इस प्रकार का जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, जिसके माध्यम से जो है लेटर आप सेंड कर सकते हैं। इस मेल के अंदर कोई टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, आप किसी फाइल को सेंड कर सकते हैं, या किसी इमेज को जो है सेंड कर सकते हैं, या कोई भी अटैचमेंट जो है इसके अंदर जो आप लगा करके इसमें सेंड कर सकते हैं। इस अटैचमेंट्स में किसी भी प्रकार का कोई भी इमेज हो सकती है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट फाइल, पीडीएफ फाइल, एनी काइंड्स ऑफ फाइल जो है आप इसके अंदर अटैच करके और इसको सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला यही है कि ईमेल, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, और मेल का आशय यह है कि हम किसी को जो है कोई सूचना भेजते हैं। तो इन्फॉर्मेशंस को सेंड करने के लिए दो यूजर्स के बीच में कम्युनिकेशन जो है क्रिएट करने के लिए ईमेल का उपयोग किया जाता है, ताकि एक यूजर दूसरे यूजर के साथ कम्युनिकेट कर सके। ये जो है इसका है। सबसे जो आगे इसमें जो चीज़ है वह है कि नेटवर्क के माध्यम से कोई भी जो है स्पेसिफाइड मैसेज जो है वो आप किसी एक इंडिविजुअल आदमी को, इंडिविजुअल पर्सन्स को, इंडिविजुअल यूजर्स को सेंड कर सकते हैं, या फिर एक ही मैसेज जो है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को आप जो है वो सेंड कर सकते हैं, यानी सेम मैसेज जो है मोर देन वन पर्सन्स को आप जो है वो भेज सकते हैं। ईमेल को पेन या पेपर की जगह कीबोर्ड से टाइप किया जाता है। नॉर्मली ये पेन और पेपर जो लेटर यूज पर हम लिखने के लिए काम में लेते हैं, पेन और पेपर, तो इसमें पेन और पेपर आपको काम में नहीं लेने हैं, कीबोर्ड पर आपको टाइप करना है। कीबोर्ड के द्वारा जो है इसमें टाइप करेंगे, और ईमेल क्लाइंट के माध्यम से भेजा जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भेजने वाले का ईमेल एड्रेस होना चाहिए और सेंड करने वाले का ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो ईमेल एड्रेस में एक कस्टम यूजर नेम होता है, और बिगनिंग के बाद, उसके बाद ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जो है जिसके द्वारा ईमेल जो है आप प्राप्त कर रखा है, तो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का डोमेन नेम होता है, जिसमें एट द रेट का साइन होता है एक तरफ जो है। इसमें कस्टम यूजर नेम, एट द रेट, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का डोमेन नेम होता है, बीच में दोनों के बीच में एट द रेट होता है, जिसके द्वारा दोनों को सेपरेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए नेम एट द रेट gmail.com, यह एक मेल जो है एड्रेस का एग्जाम्पल है। अब ईमेल की हिस्ट्री, ईमेल का आविष्कार जो है वो किसने किया? तो ईमेल जो है रे टॉमलिंसन के द्वारा 1971 में सबसे पहली बार भेजा गया था, ने उस ईमेल को खुद को ही भेजा था। टॉमलिंसन ने मेल जो है वो खुद को ही भेजा था, और ईमेल जो है वो टेक्स्ट मैसेज के तौर पर भेजा गया था, जिसमें उन्होंने कुछ टेक्स्ट लिखे थे जो कि थे QWERTYU IOP। वही ईमेल उनके पास भेजने के बावजूद ही उस ईमेल मैसेज को एयरपेनेट के माध्यम से ट्रांसमिट किया गया, इसलिए उन्हें ईमेल का जन्मदाता भी कहा जाता है। ईमेल का जन्मदाता जो है उनको कहा जाता है। और 96 में तब ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजे जाते थे, पोस्ट मेल की जगह पे जो है 96 के बाद में जो है मेल का थोड़ा सा इसमें रोट जो है ज़्यादा हुआ था कंट्रीज में, दूसरे कंट्रीज में। अब ईमेल जो है इसके बारे में बेसिक फंक्शंस क्या है? सबसे पहले सेंडिंग द ईमेल, एक जो है आपको जो ईमेल फिनिश हो जाए और आपको रिसिपेंट का ईमेल एड्रेस भी लिख लिया है, तब आप उसे सेंड कर सकते हो। और सबसे पहले आपको ईमेल का एड्रेस लिखना है जिसको सेंड करना है, फिर उसके बारे में
जो है आप इस पर सेंडिंग पे क्लिक करोगे तो सेंडिंग हो जाएगा। ईमेल ट्रांसपोर्ट, ईमेल सर्वर मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं सेंडर से रिसिप्ट तक, सेंडर जो है उससे लेकर के जो रिसीवर है वहाँ तक उसको भेजते हैं। इसमें SMTP उस प्रोटोकॉल का नाम है जिसे इसे इस्तेमाल किया जाता है, एस सिंपल एम मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है। एक जो है इसके अंदर मेल ईमेल सर्वर होता है उसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह इसको ट्रांसमिट किया जाता है। ईमेल मैसेज सेंड करने के लिए जो है, और मैसेज को सेंड करने के लिए POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और IMAP सर्वर्स की ज़रूरत होती है। POP और IMAP इन सर्वर्स की ज़रूरत होती है। इसको समझने के लिए इसे डाउनलोड किया जा सकता है। ईमेल क्लाइंट मेल भी होता है। जब आपको मेल मैक्स में नया ईमेल आता है तो आपको सिंपली उसके ऊपर टैप करना होगा और क्लिक करना होगा, जिससे जो आपका नया मेल खुल जाएगा। अब ईमेल किस प्रकार से भेजा जाता है, तो ईमेल जो है आप कैसे भेजेंगे, कैसे भेजना है, तो ईमेल को मैसेज को सेंड और रिसीव करने के लिए आपको एक ईमेल प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ईमेल क्लाइंट को भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का प्रयोग कर सकते हैं, थंडरबर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, मोजिला थंडरबर्ड। जब एक ईमेल क्लाइंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास एक सर्वर होना चाहिए जो कि स्टोर और डिलीवर करता हो। ये आपके मैसेज जो है उनको ISP इंटरनेट सर्वर सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा जो है ये अलग अलग कंपनीज के द्वारा जो है भेजा जाता है। ईमेल क्लाइंट को सर्वर के साथ कनेक्ट होकर जोड़ना पड़ता है, और नए ईमेल को डाउनलोड करने के लिए वही ईमेल को जो कि ऑनलाइन स्टोर करते हैं, खुद ब खुद अपने आप अपडेट हो जाते हैं। अगर ऑनलाइन आपका डेटा ऑन है मोबाइल में, जैसे आप करते हैं मोबाइल का डेटा ऑन है, तो अपने आप जो है सिंक्रोनाइजेशन अगर आपने कर रखा है तो ऑटोमेटिकली आपके डाउनलोड हो जाएंगे। ईमेल ऑनलाइन, यह एक अल्टरनेटिव राह है जिसमें ईमेल को सेंड और रिसीव करने के लिए भी ऑनलाइन ईमेल सर्विस का जो है आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे जीमेल, याहू मेल, इस तरह से जो है outlook.com। ज़्यादातर ऑनलाइन ईमेल सर्विस अक्सर फ्री होते हैं और इन्हें इस्तेमाल करने के लिए आपको एक फ्री अकाउंट बनाना होता है। नॉर्मली जीमेल पे जैसा आप कनेक्ट करते हैं, जीमेल पे अकाउंट बनाते हैं, तो अकाउंट बना करके अपना मेल आईडी से किसी भी को भी एक मेल सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। अब ईमेल में क्या क्या लिख सकते हैं और इसको इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। जब एक ईमेल में मैसेज लिखा जाता है तब इसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं। इसके साथ ही ईमेल में बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स का भी इस्तेमाल होता है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है टू फील्ड, टू लिखा हुआ रहता है। इसमें आपको उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस टाइप करना होता है जिसको आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं। सेकंड होता है कि फ्रॉम फील्ड, जिसमें आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, जिस मेल आईडी से आप कर रहे हैं उस मेल आईडी से आपको भेजना है। अगर आप किस कोई आपके पास मेल आया है उसका आप रिप्लाई भेज रहे हैं तो टू और फ्रॉम के फील्ड ऑटोमेटिकली फील्ड आउट हो जाते हैं। अगर किसी को आप रिप्लाई कर रहे हैं, कहीं से मैसेज आया आपको रिप्लाई करना है, तो टू तो जहाँ से आया है वहाँ पे वो चला जाएगा और फ्रॉम आपकी आईडी से चला जाएगा, तो ये दोनों फील्ड ऑटोमेटिकली भर जाएंगे। अगर एक मैसेज होता है, नया मैसेज भेजना है आपको, तो आपको मैन्युअली जो है सब चीज़ों को भरना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ें जो है आपको भरनी पड़ेगी, वही जो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपको उस मेल में क्या कंटेंट है उसके बारे में जो है एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देना होता है। सब्जेक्ट ही है जो रिसिपेंट को याद दिलाता है कि वह ईमेल किस चीज का है। इसमें एक फील्ड होता है CC, जिसमें है कार्बन कॉपी, जो कि यूजर्स को अलाउ करता है कि रिसिपेंट को स्पेसिफाइड करके वो इन्हें डायरेक्ट तो ईमेल नहीं भेजता है, लेकिन जब वो कोई ईमेल भेजता है तो कॉपी उन लोगों तक भी पहुंच जाती है। ये भी ऑप्शनल होता है, ये ऑप्शनल है। CC में आप उनके मेल आईडी डाल सकते हैं, तो कोई भी मेल है जो उसको उन मेल आईडी पे ऑटोमेटिकली उसको चला जाएगा। इसके बाद में BCC होता है, एक ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये भी फील्ड, ये भी सिमिलर ही होता है CC की तरह ही होता है, लेकिन रिसिपेंट सीक्रेट रहते हैं। ये सभी जो है BCC रिसिपेंट को ईमेल तो मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं देख पाएंगे कि और किन्हें भी इस ईमेल की कॉपी मिली है। BCC में अगर आप डाल देते हैं तो वह लोग ये नहीं देख पाएंगे कि आपने यह मेल किस किस को भेजा है। वैसे भी जो एड्रेस है उसमें ईमेल का शो होना होता है, इसीलिए ओरिजिनल ईमेल भेजा गया है, तो यह फील्ड भी ऑप्शनल होता है। मैसेज की बॉडी,
सबसे मेल की बॉडी जो है उसके अंदर आपको लोकेशंस होती है जहां आप मेल मैसेज टाइप करते हैं, वहीं बॉटम में आपके सिग्नेचर की स्थिति भी होती है, और जैसा आपके हैंड राइटिंग लेटर में होता है उसी तरह से आप अपना सिग्नेचर पुट अप कर सकते हैं, लोकेशंस जो है फील्ड ऐड कर सकते हैं, सारी चीज इसके अंदर लिख सकते हैं। अब ईमेल एड्रेस जो है वैलिड कब होता है, ईमेल एड्रेस अगर आपको बनाना है, नया ईमेल एड्रेस क्रिएट करना है, तो उसके लिए जो है रूल्स होते हैं, ये देखिए कि सबसे पहले जो है एक यूजर नेम होना जरूरी है, उसके बाद एट द रेट का साइन होना चाहिए, और उसके पश्चात डोमेन नेम स्पेसिफाइड होना चाहिए। यूजर नेम मैक्सिमम 64 करेक्टर लॉन्ग से हो सकता है, 64 करेक्टर जो है लंबा हो सकता है, और डोमेन नेम 254 करेक्टर से लंबा नहीं होना चाहिए। ये डोमेन नेम तो है स्पेसिफाइड होता है आपका, लेकिन यूजर नेम जो आप रखते हैं ये जो है 64 करेक्टर से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। एट द रेट साइन होना चाहिए ईमेल एड्रेस में। ईमेल में स्पेस स्पेशल करेक्टर को अलाउ किया जाता है, कभी कभी स्पेस और बैक स्लैश और क्वेश्चन मार्क भी काम कर जाते हैं, लेकिन इसके पहले एक फॉरवर्ड स्लैश होना जरूरी होता है। ये वैलिड होने के बावजूद भी कुछ ईमेल प्रोवाइडर और करेक्टर्स को अलाउ नहीं करते हैं, अलग स्पेसिफाइड नहीं करते हैं, तो इसको नॉर्मली आपको इसको काम में नहीं लेना चाहिए। ये यूजर नेम और ईमेल एड्रेस एक होल तौर पर बिगनिंग और एंड नहीं हो सकते हैं, और एक पीरियड के साथ जो है इसको आप चेंज करते रहें। अब ईमेल के क्या-क्या लाभ हैं, जैसा एक हमारा फिजिकल एड्रेस होता है उसी तरह हमारा एक ईमेल एड्रेस होता है, हमारा वर्चुअल एड्रेस होता है, और यह वर्चुअल एड्रेस जो है ऑनलाइन कॉन्टेक्ट, ऑनलाइन कनेक्शन, ऑनलाइन जो आप चीज़ें काम में लेते हैं, ऑनलाइन जो आपकी पहचान है वही वही आपका ईमेल आईडी है। तो वर्चुअली जो एड्रेस है आपका, ऑनलाइन एड्रेस जो है आपका मेल आईडी है। सबसे पहली चीज़ होती है इसमें ईमेल सर्विस का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो आजकल नॉर्मली एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन अगर आप चलाते हैं तो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में जो है प्ले स्टोर में जैसे ही आप ऑनलाइन अपना फ़ोन को ऑन करते हैं तो सबसे पहले वो आपसे पूछता है कि आपका क्या मेल आईडी है। तो इस प्रकार से जो है मेल आईडी का उपयोग जो है आजकल बहुत हो गया है। एंड्रॉयड मोबाइल जो है या आईओएस मोबाइल है, ये बिना मेल आईडी के आपके ऑपरेट नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन, अगर आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं, कोई चीज़ आप डिलीवरी पे होम डिलीवरी मंगवाते हैं, तो वो आपको जो है ईमेल आईडी पूछते हैं कि ईमेल आईडी क्या है आपकी, जिस पे आपका उसका रिसिप्ट बिल उसका सेंड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ई कॉमर्स जो इसमें जो नया जो इसी के साथ इसी वीडियो में जो सेकंड टॉपिक है वो है ई कॉमर्स, तो इसके बारे में जो है आप मैं आपको बताऊंगा कि ईमेल आप या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें भी जो है आपका ईमेल आईडी जरूरी होता है, तो ईमेल आईडी पे आपका जो है उस प्रोडक्ट का बिल आ जाता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी है, वो होती है स्पीड। सबसे पहली है स्पीड, तो इन मेल्स की डिलीवरी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है, तो लोगों तक इन्फॉर्मेशन तुरंत प्राप्त हो जाती है, आप एक दूसरे के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो फास्ट स्पीड इसमें सबसे मैटर करती है, फर्स्ट चीज़ है इसकी स्पीड। कन्वेंस प्रदान करती है ईमेल, बहुत ही ज़्यादा कन्वेंस मेथड है क्विक कम्युनिकेशन के लिए, जहाँ फ़ोन में आपको कुछ समय था, फ़ोन को होल्ड करना पड़ता था और उसके बाद उसको में कन्वर्जन करना पड़ता था, तो ईमेल आपको तुरंत ही इसमें प्राप्त हो जाता है और तुरंत आपको रिप्लाई भी दे सकते हैं। तीसरा इसका फीचर्स है, इसमें अटैचमेंट भेज सकते हैं, अटैचमेंट फाइल में आप कुछ भी चीज़ इसमें ऑडियो वीडियो सेलेक्ट करके इसमें आप भेज सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी होती है, ईमेल अकाउंट लार्ज फोल्डर्स होते हैं, यह प्राइवेट मैसेज के लिए नहीं बल्कि फील्ड बहुत सारी इसमें फाइल्स आप स्टोर कर सकते हो। बहुत सारे ईमेल्स जो है आपको जो ईमेल क्लाइंट यूजर्स जो है आपको ऑर्गेनाइज आर्किटेक्ट और सर्च थ्रू ईमेल्स के आसानी से आप जो है इंफॉर्मेशंस को उसको रीडिली भी एक्सेस कर सकते हो, आपको रीडेबल होती है उसको एक्सेस कर सकते हो। ईमेल रिकॉर्ड जो है, ईमेल आपके पास कन्वर्सेशन के लिए रिकॉर्ड रखती है, उन सभी कन्वर्सेशंस को एक रिकॉर्ड की तरह कभी भी देख सकते हो आप कि आपने जो है कब ईमेल किसको भेजा था, वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें सेंड रहती है, चाहे तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो या आप ऑनलाइन जो है जब तक आपका रहेगा तब तक आप उसको डिलीट नहीं करते हो तब तक आपका इसमें डेटा रहेगा। अनलिमिटेड स्पेस और टाइम, टेक्सटिंग के विपरीत यदि अनलिमिटेड स्पेस आपको मिलता है उसमें कुछ लिखने के लिए आप जितना चाहे ईमेल के अंदर उसमें लिख सकते हो और जितना समय आप लगाना चाहते हो उसमें लिख सकते हो, यह जो है कभी भी आपको जो है रिवाइव रहेंगे, कभी भी इसमें टाइम जो है ऐसा नहीं हो कि टाइम आउट हो जाएगा।
फ्री कम्युनिकेशन है ये, बिल्कुल जो है आसानी से है, फ्री है। इसमें लॉन्ग डिस्टेंस कॉलिंग, फिजिकल मैसेज, कितनी भी दूरी तक आप किसी भी चीज़ को फैन सेंड कर सकते हो, पूरा इसमें फ्री ऑफ कम्युनिकेशन है। सिक्योरिटी है, फिजिकल मेल से तो ईमेल सर्विस जो है लाख गुना सेफ होती है, क्योंकि इसमें स्पेसिफाइडली प्राइवेसी और सिक्योरिटी बना रहता है। इसमें लॉगिन आईडी होता है, आपका पासवर्ड होता है ईमेल को खोलने के लिए। ये सारे इसके फायदे हैं, लेकिन ईमेल के जो है कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ हानियां भी हैं। उसमें क्या है, जो पहला है कि ईमेल तभी काम करता है जब इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। विदाउट इंटरनेट कनेक्शन ईमेल काम नहीं करेगा, और ईमेल में हम ज़्यादा बड़ी साइज़ की फाइल जो है वो सेंड नहीं कर सकते हैं। इसकी एक लिमिट होती है, वहाँ तक ही हम इसको सेंड कर सकते हैं। ईमेल में हम किसी भी प्रकार के फाइल फॉर्मेट को नहीं भेज सकते हैं, जैसे कि .exe फाइल जो है उसको हम नहीं भेज सकते हैं। ईमेल की एक प्रकार के स्पैम है, जो हमारे इनबॉक्स में स्पैम मेल से ज़्यादा होने से हमें सही मेल खोजना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे जो है मेल आते रहते हैं जो स्पैम मेल में जाते रहते हैं, तो इस तरह के जो अनवांटेड मैसेज आते हैं उसमें हमारा पर्टिकुलर कोई मैसेज अगर ढूंढना हो तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। ये इसके डिसएडवांटेज है। ईमेल में क्या-क्या हम भेज सकते हैं? ईमेल में देखिए, पिक्चर भेज सकते हैं, कोई पीडीएफ, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट, ऑडियो वीडियो, किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ जो है हम इसके अंदर इसको सेंड कर सकते हैं। जो है इश्यू होने पर कुछ प्रकार की फाइल को भेजा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर ईएक्सई फाइल में अगर जो है अगर ईएक्सई फाइल है उसको आपको भेजना है, तो हम उसको पहले जिप फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं, और जिप फाइल को जो है इसमें ईमेल के थ्रू हम भेज सकते हैं। लेकिन जो जीमेल की जो फैसिलिटी है वो 25 MB है, इससे ज़्यादा बड़ी फाइल हम ईमेल पर नहीं भेज सकते। 25 MB से ज़्यादा की फाइल अगर आपको शेयर करनी है तो थ्रू द गूगल ड्राइव आप कर सकते हो। जीमेल के द्वारा जो है आप 25 MB की तक की फाइल जो है उसमें अटैचमेंट के साथ भेज सकते हैं। इससे ज़्यादा जो है एक मेल के अंदर इससे ज़्यादा लंबी फाइल हम नहीं भेज सकते हैं। बाकी आप जो है गूगल ड्राइव के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। ये जो है पूरा ईमेल के बारे में जो है आपका टॉपिक था। सेकंड इसमें टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जैसा आप जानते हैं कि आजकल जो है ऑनलाइन जो सिस्टम जो है वो डेवलप ज़्यादा हो चुका है। हर तरह की जो शॉपिंग्स हैं वो आप इंटरनेट के माध्यम से जो है कर सकते हैं। बहुत सारी जो है वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप परचेज कर सकते हैं, और आप घर बैठे बैठे जो है किसी भी चीज़ को आप ऑनलाइन ऑर्डर करके आप जो है घर बैठे उसको मंगा सकते हैं। आपके जो है घर पे उस चीज़ की डिलीवरी कर दी जाती है। ये सारा जो है सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई व्यापार जिसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है जिसका व्यापार है, व्यापार करने का एक नया तरीका है। तो ई कॉमर्स के अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं को खरीद या बिक्री इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जिसमें इंटरनेट के द्वारा सारा जो है इसमें व्यापार किया जाता है। देखिए, वर्तमान में ई कॉमर्स इंटरनेट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अगर ई कॉमर्स जो है आप देखें तो इसमें समय और दूरी की बिना कोई बाधाओं के साथ वस्तुओं और सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आदान प्रदान किया जाता है। इंटरनेट पर सामान को खरीदना और बेचना जो है बहुत लोकप्रिय हो चुका है। इसकी शुरुआत 1960 में हुई थी। इसके एग्जाम्पल हैं ऑनलाइन शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ऑनलाइन अकाउंटिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रैकिंग। ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर काम में आती है। ई कॉमर्स के प्रमुख लाभ, देखिए सबसे ज़्यादा इसमें क्या लाभ है इसके, संगठन न्यूनतम पूंजी निवेश के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बाजार का विस्तार कर सकता है। नेशनल और इंटरनेशनल जो दोनों मार्केट में आप इसमें कंपनी को उतार सकते हो। ई कॉमर्स कंपनी की ब्रांड छवि को बेहतर बनाता है, अच्छी कंपनी का ब्रांड जो है उसमें बनाता है। ई कॉमर्स संगठन को बेहतर ग्राहक सेवाएं प्रदान करने में सहायता करता है। ई कॉमर्स व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाने और उन्हें तेज और कुशल बनाने में मदद करता है। ई कॉमर्स कागज काम का जो पेपर वर्क है उसमें जो है बहुत कम कर देता है पेपर वर्क को। ई कॉमर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है। ई कॉमर्स जो है जो उत्पाद है आपके प्रोडक्ट है उनकी कॉस्टिंग कम कर देता है, और जो अलग अलग लोग हैं उनके बारे में उत्पाद आप खरीद सकते हैं। ई कॉमर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला जो ई कॉमर्स का प्रकार है वो बिजनेस टू बिजनेस, अलग अलग प्रकार के ई कॉमर्स होते हैं। पहला B2B इसे कहते हैं शॉर्ट में, बिजनेस टू बिजनेस। इसमें दो व्यवसाय दो बिजनेस के बीच में जो व्यापार होता है, कंपनी जो है खुद
कंपनी कोई भी खुद प्रोडक्ट नहीं बनाती है, किसी दूसरी कंपनी से खरीद कर फिर अपना सामान बेचती है, तो वह B2B के अंतर्गत आती है, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C कॉमर्स, इसमें लेन देन एक बिजनेस और एक कंज्यूमर के बीच में होता है। बहुत सारी जो कंपनी है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इसमें आदि जो कंपनियां हैं, सीधे वस्तुएं जो है उपभोक्ता सीधे वस्तु खरीद सकता है, इन ऐसी कंपनियों से ले सकते हैं। थर्ड है कंज्यूमर टू बिजनेस, B2C का अपोजिट C2B। इसमें कंज्यूमर और बिजनेस के बीच में बिजनेस होता है, जैसे कंज्यूमर वेबसाइट बनाने के लिए ऑनलाइन रिक्वायरमेंट देता है और कोई कंपनी इसके अंतर्गत सही कीमत पर वेबसाइट बनाकर देने के लिए ऑफर करती है। इस प्रकार से आप जो है इसका एग्जाम्पल है कि कोई भी वेबसाइट आपको बनानी है तो आपने जो है रिक्वायरमेंट दी, तो कंज्यूमर टू बिजनेस जो है ये B2C कॉमर्स है। चौथा है इसमें कंज्यूमर टू कंज्यूमर, दो कंज्यूमर दो उपभोक्ताओं के बीच में होता है, दो उपभोक्ता जो है आपस में खरीदे और बेचे जा सकते हैं। जैसे ओएलएक्स है, ओएलएक्स इसका एग्जाम्पल है, जिसमें एक कंज्यूमर बेचता है और दूसरा कंज्यूमर खरीद लेता है। ईबे सेकंड एग्जाम्पल है इसका। इन कंपनीज में तो इसमें कंज्यूमर टू कंज्यूमर कॉमर्स है। बिजनेस टू गवर्नमेंट B2G, इसमें जो है कंपनियों में सार्वजनिक प्रकाशन या सरकार के बीच में ऑनलाइन किए गए सभी जो है सौदे इसमें शामिल होते हैं। इस प्रकार की सेवाएं शामिल है, खासतौर पर वित्तीय, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, कानून संबंधी दस्तावेज, इस प्रकार की जो है इसमें सारी चीजें काम में आती है। और सिक्स है इसमें कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, इसमें उपभोक्ता तथा प्रशासन सरकार के बीच में जो है सभी इलेक्ट्रॉनिक लेन देन होता है। जैसे आपको किसी टैक्स का पेमेंट करना है, किसी भी चीज का ऑनलाइन भुगतान करना है, स्वास्थ्य सेवाओं का भुगतान करना है, तो कंज्यूमर से गवर्नमेंट के बीच में जो है पैसा जा रहा है, पानी बिजली का बिल जमा कराना है, इस प्रकार का जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, तो इस प्रकार की जो सारी जो है दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करना ऑनलाइन, जैसे आप जो वीडियो देख करके ये चीजें प्राप्त कर रहे हैं, तो इस प्रकार से ये कंज्यूमर टू गवर्नमेंट इसमें होता है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।